आज बहुत अच्छा दिन है, हमारे आसिम भाई हमें मुलाकात हो गई, हम तो इनको यूट्यूब हर चैनल देख रहे थे। उनके देखें, ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, आई नो हिम फ्रॉम एटलीस्ट 3 इयर्स बिफोर। सो या देखें जी, ये हमारी इफ्तारी है जी, और ये मेरे साथ हमारे भाई रावलपिंडी के बैठे हुए हैं, दोनों फजील भाई साहब, दोनों माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ये यूएस से कह रहे हैं कि कनाडा मूव हुए हैं। कैन यू टीच मी हाउ टू से रमजान मुबारक इन बांग्लादेश लैंग्वेज? रमजान मुबारक, दैट्स यू सेड सेम थिंग, वी से रमजान, लाइक रमजान उल मुबारक। ओके, रमजान उल मुबारक। लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, फूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम जी, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आप जहाँ भी रमज़ान गुजार रहे हैं, अल्लाह करे कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा हो। बहुत सारे लोग कनाडा में लैंड करते हैं जी, वैंकूवर आते हैं, टोरंटो जाते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका यही सवाल होता है कि कनाडा में भी रमज़ान में रमज़ान वाला माहौल होता है, इफ्तारियाँ होती हैं, मस्जिदें होती हैं, वहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स होते हैं, क्या सहरी वाला इफ्तारी वाला वैसा माहौल होता है? तो देखिए, जब मैं नया आया था कनाडा में 2015 में, तो तब तो ये चीज़ें जो है मैं बड़ा मिस करता था। यहाँ पर बहुत कम पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे नज़र आई है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम थी और बहुत ही लिमिटेड मस्जिदें थी, इस्लामिक सेंटर्स भी बहुत कम थे, मे भी 2-3 होंगे। लेकिन अभी 2023 में वैंकूवर में ठीक ठाक आप कह लें कि बहुत सारी इस्लामिक यहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं यहाँ पर, और दावा सेंटर्स हैं, मसल्ले भी बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर वही जो अफ्तारी वाला माहौल जो अगर आप लोग मिस करते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि वैंकूवर जाएंगे तो क्या रमदान में वैसा माहौल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर मस्जिद हैं जहाँ पर डेली अफ्तारियाँ होती हैं, डिफरेंट इस्लामिक सेंटर में अफ्तारियाँ होती हैं, बहुत से लोग अपने तौर पर अपने रेस्टोरेंट में अपने बिज़नेस की लोकेशंस पर भी फ्री अफ्तारियाँ करवाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, हर रोज़ डिफरेंट मस्जिद में अफ्तारियाँ होती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, न्यू इमिग्रेंट्स या वर्क परमिट होल्डर्स यहाँ पर आते हैं मस्जिद में और यहाँ पर अफ्तारी खोलते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर वैंकूवर जामा मस्जिद मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वैंकूवर जामा मस्जिद है जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वक्त जामा मस्जिद मौजूद हूँ और यहाँ पर भी डेली अफ्तारी होती है मामूल के मुताबिक, आज भी यहाँ पर अफ्तारी होगी। मैं यहाँ पर से गुजर रहा था तो आई थॉट के आपके साथ शेयर करना चाहिए यहाँ पर कैसा माहौल होता है अंदर मस्जिद में, कैसे लोग यहाँ पर अफ्तारियाँ कराते हैं और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपके साथ अंदर जा के शेयर करेंगे यहाँ पर अफ्तारी कैसी होती है और अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आपको अंदर सीधा लेके चलते हैं अभी। रमजान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो, बंदों को खुदा बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो। अच्छा जी, तो ये इस वक्त मेरे साथ आबिद भाई हैं जी, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी एसोसिएशन के यहाँ पर ये मेंबर हैं जी, और ये आज यहाँ पर अफ्तारी करा रहे हैं। आबिद भाई, यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े लोग आते हैं, मैंने सुना है कि डेली इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स, जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, एक वही माहौल आपको मिलता है जो आपको इंडिया पाकिस्तान मिलता है। तो यहाँ पर आप कैसे जो है ये सारी अफ्तारी कराते हैं, कितने लोग होते हैं यहाँ पर डेली? माशाल्लाह, पहले मैं आपका थैंक यू, आपने आए आज हमें टाइम दिया। तो यहाँ देखिए आसिम भाई, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैंकूवर जामिया मस्जिद है, इसकी हिस्ट्री है, ये वेस्टर्न कनाडा की पहली मस्जिद है। तो माशाल्लाह ओवर 60 इयर्स इस मस्जिद को हो गए हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से हम ये रेगुलर अफ्तारी करवा रहे हैं। अच्छा, इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 के हमने इफ्तारी बंद नहीं की, कंटिन्यूस था। तो एवरी डे फुल मेन्यू के साथ देखें, रोज़ा जो है कि अल्लाह ताला की, जैसे कि आप कहते हैं कि रोज़ा इफ्तारी कराना बहुत बड़ा सवाब है, तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स है इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से, एवरी डे ओवर 250 प्लस पीपल आते हैं, अपना रोज़ा इफ्तारी करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ का बोर्ड है, यहाँ पर ये सारे
जो भी यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा था, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स का भी वो लिखा होता है कि अगर कोई घर किसी का खाली है, कोई जॉब वगैरह लगी है, तो यहाँ पर पोस्टर आप लगे देख सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप अपने जूते वगैरह रख सकते हैं। जी देखें जी, ये एंट्रेंस है जी, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ नो लाउड नॉइज़। तो अगर आप मस्जिद में आते हैं ना, तो अपने फ़ोन को बंद करके, अगर ये प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान में होती थी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का लोग बड़ा एहतियात करते हैं कि मस्जिद में एंटर होते ही अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो और मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, ये मेल बॉक्स है जी, यहाँ पर जो भी मेल वगैरह आती है यहाँ पर आती है। ये देखें जी, ज़कात आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप मैं अंदर लेके आऊँ तो ये देखें अंदर का माहौल आप, माशाल्लाह देखें जी। ये है जी वज़ू खाने की जगह, यहाँ पर आप आएँ तो ये देखें, ये अभी इफ्तारी का जो है तैयारी हो रही है। पर अभी फीमेल्स का भी एहतमाम होता है? अल्हम्दुलिल्लाह नीचे लेडीज़ हैं, लेडीज स्टूडेंट्स भी आती हैं। अच्छा, गुड जी, अच्छा। ये देखें जी, ये बड़ी प्यारी स्ट्रीट है और बड़ी आइडियल लोकेशन है, मेन वैनकूवर है ये, और यहाँ पर ये मस्जिद लोकेट करती है। तो अभी इफ्तारी में मेरे ख्याल में कोई 20 से 25 मिनट रहते हैं, तो इंशाल्लाह अभी ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी आप यहाँ पर दिखेंगे, आएंगे, इफ्तारी खुलेगी, सब यहाँ पर बैठेंगे, खजूर से जो सुन्नत है उससे हम अपनी इफ्तारी ओपन करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर नमाज होगी, नमाज के बाद फिर खाना होगा। तो इस तरह से सिलसिला होता है, जैसे आप पाकिस्तान इंडिया में माहौल देखते हैं वही माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से फीमेल का जो है एंट्रेंस है, और ये जो एंट्रेंस है ये मेल्स की एंट्रेंस है। मैंने कहा आपको दोबारा दिखा दूँ ताकि आपको पता चले, अगर आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। रहमते बरकते उल्फते लूट लो, मेहरबान खुदा की बख्शिशे लूट लो, मेहरबान खुदा की बख्शिशे लूट लो, इस बहारे अजल अल्लाह, इस बहारे अजल से जन्नतें लूट लो, ये आमा का महीना मुबारक हो, ये आमा का महीना मुबारक हो। This mosque is the first mosque established in BC, so second in Canada. Second, in 1960, it's our 60th year, so this is 2023, so 1963, Muslim community, very small, just a handful yeah. of families. So mashallah, it's grown, the people from every part of the world are here. This is known as the Musafir Masjid, Traveler's Masjid. People come from all over to come here. Many people had their start in Canada in this place. I've been here since I was a little boy. Oh, is it? Yeah. A long time, mashallah. So whole life, my father, Riyasat Ali Khan, was one of the founders, and this, you know, it's been going on for generations. Mashallah, commendable. You guys are doing a wonderful job. Thank you so much. Mashallah, our community is a very famous shakhsiyat. But sir, mashallah, क्या कहना चाहेंगे, जितनी अच्छी इफ्तारी यहाँ पर तमाम होता है, एक मुस्लिम को सारा यहाँ पर माहौल मिलता है, जो लोग नहीं आते हैं खासतौर पर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सारी कम्युनिटी को, और मेरी तरफ से सब कम्युनिटी को बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। इस मस्जिद में हम बड़े सालों से ये सारे वॉलंटियर और हरून की ज़ीरे साया सारे ये काम हो रहे हैं, और सारे वॉलंटियर पाकिस्तान के जितने भी हैं इधर स्टूडेंट्स आते हैं, और पूरा महीने इधर इफ्तारी कराई जाती है, और माशाल्लाह हमारी जो वॉलंटियर हैं वो दिल लगा कर इधर काम करते हैं। खुरम भट्टा जो क्या कहते हैं इसको मैनेज करते हैं, हर साल बड़े सालों से कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि 250 जो लोग हैं इधर हर रोज़ इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी के बाद ये सब वॉलंटियर सारे काम करते हैं, और क्या कहते हैं बिल्कुल मस्जिद को साफ क्लीन करके तरावी के लिए क्या कहते हैं रेडी कर देते हैं। अच्छा जी, अभी आप देखें जी, टाइम हो चुका है जी 7:44, और अभी तकरीबन 8 से 9 मिनट रह चुके हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अफ्तारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी माशाल्लाह से आप माहौल देख रहे हैं, आपको प्रॉपर, अगर आप अपने इंडिया से पाकिस्तान से हैं आप देख रहे हैं वहाँ से, तो आपको वहाँ वाला ही माहौल यहाँ पर मिलेगा। सारे अपने भाई यहाँ पर बैठे हैं, नीचे बहनें हैं दूसरे सेक्शन में, और वैसा ही आपको यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ है, सारे इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तारी का। जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है जी इफ्तारी का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ्तारी के जो है ठीक ठाक यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं, और अभी बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट में यहाँ पर अजान होने वाली है, फिर यहाँ पर इफ्तारी होगी इंशाल्लाह। Allahu Akbar.
मोहम्मद रसूलुल्लाह। अफ्तारी हो चुकी है जी शुरू, और हमने खजूर से शुरू की है, और देखें सारे भाई अभी अफ्तारी अपनी बोल रहे हैं जी। हम माशाल्लाह जमात के साथ हाँ जी नमाज हो चुकी है जी, और अभी खाने का टाइम है। अभी आपको बाहर लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अभी बाहर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। मक्का जो गए नबी दर मुंतहा पे थी रोशनी, न निगाह बड़ी न नजर हटी, सुए बस में हक जो सफर हुआ के बशर हुआ फलकाश ना। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है जी, अभी यहाँ पर अफ्तारी हो रही है, सारे बैठे हुए हैं, एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज बहुत अच्छा दिन है, हमारे आसिम भाई हमें मुलाकात हो गई, हम तो इनको यूट्यूब हर चैनल देख रहे थे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, हमें मौका भी दिया बोलने का। थैंक यू सो मच, आप सबको रमज़ान मुबारक। थैंक यू। वहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी, वहाँ से लोग अपना अपना खाना ले रहे हैं और यहाँ पर आके दस्तरखान पे बैठ रहे हैं और सब इकट्ठे मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं, अफ्तारी खोल रहे हैं अपनी। और यही रमज़ान का माहौल होता है जब सब लोग इकट्ठे मिल के बैठते हैं, और एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है, हमारा बरकत भी रहती है इससे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, फैमिलीज को मिस करते होंगे, और आपने एक ऐसा माहौल दिया हुआ कि उनको एक फीलिंग आती होगी अपने मुल्क में जैसे उनका रमज़ान गुजरता था फैमिली के अलावा, तो वो एक यहाँ पर सारा मैं देख रहा हूँ गैदरिंग लगी है, वही माहौल लग रहा है। जी जी जी, ये बहुत, ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये रमज़ान का महीना जब भी आता है ना बरकत वाला होता है, तो सारे लोग जो से इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, और हमारे बहुत सारे बहनें भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, तो वो टुगेदर होते हैं, सारे मिल बैठ के खाते हैं, मज़ा आता है, माहौल लगता है कि अभी वाकई रमज़ान चल रहा है, इसके बगैर तो रमज़ान का मज़ा ही नहीं आता, अगर इफ्तार पार्टी ना हो या डिनर ना हो या ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मसला है खाने का इफ्तारी का, ये तो पिछले 30-35 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो ये खुशी होती है कि ये जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, और नीचे भी है, और इस काम के लिए जो जो डोनेट करते हैं वो भी काफ़ी, कई लोगों को तो चांस नहीं मिलता, तो काफ़ी लोग करते रहते हैं डोनेट माशाल्लाह। चलें जी, फाइनली काफ़ी ब्लॉगिंग हो गई है, अभी खुद भी थोड़ी सी अफ्तारी कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारी अफ्तारी है जी, और ये मेरे साथ हमारे भाई रावलपिंडी के बैठे हुए हैं, दोनों फजील भाई साहब, दोनों माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ये यूएस से कह रहे हैं कि कनाडा मूव हुए हैं, और आप इधर ही हैं, शुरू से इधर ही हैं फजील भाई। अच्छा जी, तो फजील भाई मुझे थोड़ा सा क्विकली बताएं कि कैसा लग रहा है ये माहौल, कैसा लग रहा है माशाल्लाह से रमदान का महीना है, सारे इकट्ठे बैठे हुए, अच्छा डिफरेंट मुस्लिम कंट्री से लोग यहाँ पर आए। बिल्कुल, आप देखें कलर लोगों का, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ये एक इज्तमा है आप करें, माशाल्लाह देखें 250-300 बंदा बैठा हुआ है, किसी को खाने की कमी नहीं हुई, सब प्लेटें भर के खा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, और जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं इसको अल्लाह ताला उनको हिम्मत दें, और सात समंदर पार दूर हैं लेकिन हमें पाकिस्तान की कमी महसूस नहीं हो रही रमज़ान में। चलें जी, तारीख शुरू करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवर ब्रदर फ्रॉम बांग्लादेश इज़ हियर, व्हाट इज़ योर नेम? अल्विन रिफात। एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस, यू नो लाइक दिस रमदान एनवायरमेंट, वी हैड एन अफ्तारी टुडे, लॉट्स ऑफ पीपल मुस्लिम ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? To be honest, Canada is a diversity country, and right. Here we're supposed to have Ramadan with so many people among us, and who is from different country, different language, different culture. But the thing is most exciting about us is we are all are Muslim, and we all get together with the same religion, same culture, and the same language, of course. So Alhamdulillah, that's a very big thing for us. Brother, what is your YouTube channel? Brother has YouTube channel as well. Oh yeah, so my YouTube channel is Alvin Rifat. So whoever is from Bangladesh, you can search me with Alvin, A-L-V-I-N-R-I-F-A-T. So I try to represent the Bangladeshi student in Vancouver. And sometimes I go outside of Vancouver to show other places as well. Can you teach me how to say Ramadan Mubarak in Bangladesh language, Ramjan Mubarak. That's the, you said same thing? We say Ramjan, like Ramjanul Mubarak. Okay, Ramjanul Mubarak. Yeah. Okay, that's it? Yeah, that's it. Any other thing you want to teach me in Bangladeshi language? What should I teach you? Like... Okay, I want to share my
send my salam or love to Bangladeshi people? Just tell me in Bangladeshi language. বাংলাদেশের সবাইকে আমি জানাই অনেক ভালোবাসা, অনেক শুভকামনা যারা আমাকে দেখছেন এবং ওনাকে দেখছেন। হি ইজ আ ভেরি বিগ ইউটিউবার, আই নো হিম ফ্রম অ্যাট লিস্ট থ্রি ইয়ার্স বিফোর। ইয়া, তো যারা আছে সবাইকে আমি বলবো অনেক শুভকামনা। আপনারা যারা আসবেন নিশ্চিত থাকবেন যে আমরা সবাই, আমাদের কমিউনিটি অনেক স্ট্রং, আওয়ার রিলিজন ইজ স্ট্রং, অ্যান্ড ইউ গাইস উইল বি ইন আ গুড প্লেস। Definitely. I'm trying to learn Bangladeshi from this brother. I hope I can get it. But thank you so much, brother. I really appreciate it. Thanks for coming to me, and Ramadan Kareem to you, your family, and everyone out there who are watching us. Jazakallah, inshallah. I hope to see you around somewhere. Sadaqallah. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. So, ये था जी आज का मेरा व्लॉग, जिसमें मैं आपको यहाँ का माहौल बताना चाहता कि वैंकूवर में भी एक माहौल होता है, रमदान का माहौल होता है, अफ्तारी होती है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स, जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं यहाँ पर, अगर ये समझते हैं कि यहाँ पर रमदान वाला माहौल नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। देर आर सो मेनी मसाजिद, मसल्ला, इस्लामिक सेंटर, एंड यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेज जहाँ पर अफ्तारी हो रही है, सहरी हो रही है, लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके सामने इस तरह के जो भी लोकेशंस हैं, जो भी इदारे हैं, जो भी सेंटर्स हैं, मसाजिद हैं जहाँ पे अफ्तारी हो रही है, माहौल ऐसा, तो आपके साथ शेयर करता रहूँ और आगे भी इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड रमदान करीम। अस्सलामु अलैकुम। सरला मका जो गए नबी, दर मुंतहा पे थी रोशनी, न निगाह बड़ी न नजर हटी, सुए बस में हक जो सफर हुआ, के बशर हुआ फलकाशना, जवां में उन सकोई भला, बलगल उला बिकमाल ही।